हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 2 तक ही देखे थे, क्योंकि उसमें हम लोगों ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, मल्टीप्लिकेशन मोडुलो, जो हम लोग के लिए नया टॉपिक था। उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया हुआ था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। यहाँ पे एक लॉ दिया गया है, बोल दिया है द लॉ ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए इज कॉल्ड। चार ऑप्शन दिया गया है। ए क्या है? क्लोजर। बी में बोल दिया है एसोसिएटिव। सी में कॉमुटेटिव एंड डी में डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये बताना है कि ये चार में ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें से देख सकते हैं, हम लोगों ने तीन के बारे में पढ़ा हुआ है। क्लोजर भी हम लोग जान रहे हैं, आपने यदि पढ़ा होगा। क्लोजर का मतलब क्या है? एक एक कोई इंटीजर का सेट है, बी भी कोई इंटीजर का सेट है। यदि इसके साथ कोई भी ऑपरेशन लगाएं और रिजल्ट यदि जो सी आए तो वो भी क्या हो जाए? इंटीजर का सेट आए। मतलब यदि ये दो इंटीजर को ऑपरेट करें तो इंटीजर आवे, दो रियल को ऑपरेट करें तो रियल आवे, दो रेशनल नंबर को ऑपरेट करें तो रेशनल नंबर आवे। इस केस को बुलाता है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हम लोग को देखिए, यहाँ भी हम लोग को क्या है, इसमें है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब उल्टा पलटा सेम, मतलब ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। देखिए, ए प्रॉपर्टी होता है क्या बोलते थे जी? कॉमुटेटिव। तो ये हम लोग को क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कॉमुटेटिव। तो चौथा बोलता है, यहाँ पे बोलता है एन ऑपरेशन स्टार डिफाइंड ऑन द सेट जेड, मतलब इंटीजर ऑफ नन जीरो इंटीजर्स बाय, यहाँ पे दिया गया है फोर में कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बाय बी और सच दैट, यहाँ बोल दिया ए बी बिलोंग्स टू जेड, देन इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो ये किसको सेटिस्फाई करेगा? तो यहाँ भी चार ऑप्शन दिया गया है। ये पहला इसमें क्या है जी? क्लोजर। बी में है कॉमुटेटिव। सी में है एसोसिएटिव एंड डी में है नन ऑफ दीज, चौथा नंबर। तो देखिए, फोर में ये बोला है कि आखिर इस तीनों में से कौन सा प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। क्लोजर कहने का मतलब है, अरे बताएं, दो इंटीजर है उसको डिवाइड करें तो इंटीजर ही आवे, इंटीजर ही आवे तो वो कहलाएगा क्या है? क्लोजर। तो देखिए, दो इंटीजर्स है यदि तो इसको डिवाइड करें, क्या इंटीजर ही आ सकता है क्या? वैसा कोई ज़रूरी नहीं है। टू भी इंटीजर है, फाइव भी इंटीजर है, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2/5, ये इंटीजर नहीं है तो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होगा। यदि ए स्टार बी ए बाय बी है तो क्या कॉमुटेटिव का मतलब होता है ए स्टार बी का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? बी स्टार ए। यदि इसके अनुसार से ऑपरेट करेंगे हो जाएगा बी ए बाय बी, और इसके अनुसार से करेंगे बी बाय ए, क्या दोनों इक्वल है? नहीं है, मतलब ये कॉमुटेटिव भी नहीं है। एसोसिएटिव का मतलब होता है तीन तीन एलिमेंट का, तीन एलिमेंट का ऑपरेशन। तो ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए जी? ए स्टार बी स्टार सी, इसका मतलब हो जाएगा ए बाय बी स्टार सी, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए बाय बी बाय सी, मतलब हो जाएगा ए बाय बी सी। इसके अनुसार चलें तो हो जाएगा ए स्टार, ये हो जाएगा बी बाय सी, और इसके अनुसार चलें ये हो जाएगा ऊपर, तो ए बाय जाएगा बी बाय सी, मतलब क्या हो जाएगा जी? ए ए सी बाय बी, क्या ये दोनों इक्वल है? ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ये एसोसिएटिव भी नहीं है। तो चार ऑप्शन में क्या बच जाएगा? लास्ट में दीज में चौथा में क्या है? नन ऑफ दीज, ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। चलिए इसको नोट करें। ये क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है इफ एन ऑपरेशन स्टार, यदि यहाँ पे कोई ऑपरेशन है स्टार डिफाइंड बाय, बोल दिया है ए स्टार बी इज इक्वल टू
ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए स्टार बी का वैल्यू दिया गया है, और तो हम लोग को निकालना क्या है जी, यहाँ बोल दिया देन वन स्टार टू स्टार थ्री का वैल्यू क्या होगा। यदि इसके अनुसार से लें, यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है कितना कितना, ये देख लेते हैं। ऑप्शन में है 756, ऑप्शन नंबर बी 216, ऑप्शन नंबर सी 36, डी ऑप्शन कितना हो जाएगा 6। तो ए वन स्टार टू का मतलब हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब स्टार 3, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा 8, फिर स्टार 3 तो हो जाएगा 9 स्टार 3, मतलब हो जाएगा 9 का क्यूब प्लस कितना जी 3 का क्यूब, और 9 का क्यूब कितना होगा 9 9 81 into 9 9 9 8 जा 72 729 729 प्लस हो जाएगा कितना जी 27, तो कितना होगा 9 और 7 16 1 5 7 56, ये दिया गया ऑप्शन नंबर ए में। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है डिफाइंड एन ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर। यहाँ पे डिफाइंड किया गया है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू है 1 प्लस ए बी, देन स्टार इज ऑप्शन नंबर ए कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, बी एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव, ऑप्शन नंबर सी नाइदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव, ऑप्शन नंबर डी बोथ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। तो ये चेक करना है, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों चेक करना है। तो ध्यान दें, फॉर कम्यूटेटिव के लिए देखते हैं, फॉर कम्यूटेटिव क्या होना चाहिए जी, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, और ए स्टार बी को डिफाइन किया गया है इन दोनों एलिमेंट का प्रोडक्ट और उसको क्या 1 ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा कितना ए बी प्लस 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा जी, मतलब 1 पहले लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा 1 प्लस ए बी, आ जाएगा 1 प्लस बी, और बी ए को लिख सकते हैं ए बी, दोनों बराबर हुआ। मतलब क्या है जी, स्टार कम्यूटेटिव तो है। एसोसिएटिव चेक करते हैं, फोर एसोसिएटिव क्या था, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू क्या था, ए स्टार बी स्टार सी। ए स्टार बी का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 1 प्लस ए बी स्टार सी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस 1, तो हो जाएगा 1 प्लस सी इंटू 1 प्लस ए बी, तो 1 प्लस सी फिर हो जाएगा कितना ए बी सी। अब इसको यदि देखें इधर, तो जाएगा 1 ए स्टार हो जाएगा 1 प्लस बी सी, मतलब हो जाएगा इन दोनों में क्या करें 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस ए बी सी, ए बी सी तो 1 प्लस ए प्लस ए बी सी। क्या ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब एक एसोसिएटिव नहीं है, कम्यूटेटिव है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। देखिए कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, ऑप्शन नंबर ए 6 का ए, चलिए 6 का ए दिया गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन ए क्या दिया गया है, ये बोल दिया है इफ इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर, एन कोई नेचुरल नंबर का सेट है, एन बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड एज फॉलोज। और बाइनरी ऑपरेशन क्या दिया गया, एम स्टार एन इज इक्वल टू एम एन बाय पी, और बोल दिया वेयर पी इज अ फिक्स नंबर, वेयर पी क्या है कोई एक फिक्स्ड नंबर है, देन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एन इज, तब उसका आइडेंटिटी एलिमेंट एन क्या होगा। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, यहाँ बोल दिया गया है कि पहला है प्राइम नंबर, ऑप्शन नंबर बी यह है पी प्लस एम प्लस एन, ऑप्शन नंबर सी पी माइनस 1, ऑप्शन नंबर डी पी। और हम लोग को क्या चेक करना है, उसका निकालना है क्या जी, तो नेचुरल नंबर के लिए हमें
देन द आइडेंटिटी एलिमेंट, हम लोग को आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। मतलब यहाँ पे दिया गया है, बोल सकते हैं कि स्टार डिफाइंड किया गया है, बोल सकते हैं स्टार सच दैट, और कहाँ जी एन क्रॉस एन से नेचुरल नंबर्स में बिलोंग करता है। मतलब क्या एन क्रॉस एन टू कहाँ तक जी एन तक, और यहाँ डिफाइंड किया गया है कि डिफाइंड बाय कि एम, बोल सकते हैं डिफाइंड डिफाइंड बाय एम स्टार एन इज इक्वल टू एम एन एम एन बाय पी, वेयर पी इज अ कैसा नंबर जी फिक्स्ड नंबर, जहाँ पे पी क्या है फिक्स नंबर है। तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करना है, तो फोर आइडेंटिटी एलिमेंट के लेट कर लेते हैं, लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। मान लिए ई कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी कहने का मतलब क्या था जी, कोई ए को ई से ऑपरेट करे और आंसर ए आवे, कोई नंबर कोई आइडेंटिटी से ऑपरेट करे तो वही नंबर आवे, तो मतलब ऑपरेट करने पर उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है तो क्या कहलाएगा आइडेंटिटी। मतलब यहाँ से बोल सकते हैं कितना कि एम स्टार ई इज इक्वल टू कितना होना चाहिए एम, मतलब कोई दो नंबर है और दो नंबर का आइडेंटिटी निकालें तो कितना आ जाए जी वही सेम आ जाए। मतलब वहाँ पे एम ले ले, या तो हम लोग लिए अभी ए, तो बोल सकते हैं ए स्टार ई इज इक्वल टू कितना होना चाहिए ए। अब इन दोनों का डिफाइंड कैसे गया, इन दोनों का प्रोडक्ट बाय पी, मतलब ए ई बाय पी इज इक्वल टू ए, ए ई विल कैंसल, तो ई बाय पी इज इक्वल टू वन, तो ई का वैल्यू कितना आ गया पी, मतलब ई मतलब आइडेंटिटी कौन सा आ गया जी पी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब उसका उस केस में आइडेंटिटी एलिमेंट कितना हो गया पी। चलिए इसको नोट कर लें, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 द बोलता है बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड ऑन इंटीजर्स गिवेन बाय, यहाँ दिया गया है स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन और डिफाइंड किया गया है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी माइनस वन इज, चार ऑप्शन हैं, ए बोल दिया है नॉन कॉमुटेटिव, बी है कॉमुटेटिव, सी है एसोसिएटिव, डी है नन ऑफ दीज, ये चार ऑप्शंस हैं। हम लोग को ये चेक करना है आखिर कौन सा आ रहा है। तो देखिए यदि हम लोग सबसे पहला चेक करें कॉमुटेटिव के लिए, तो फोर कॉमुटेटिव क्या होना चाहिए जी, ए स्टार बी इज इक्वल टू ये होना चाहिए बी स्टार ए, और इसका मतलब क्या होना चाहिए मॉड ऑफ ए माइनस बी माइनस वन, और इसका मतलब होना चाहिए मॉड ऑफ बी माइनस ए माइनस वन। तो मॉड ऑफ ए माइनस बी बोले ए मॉड ऑफ बी माइनस ए को लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए माइनस बी माइनस वन, दोनों बराबर हुआ, ए कॉमुटेटिव है, कॉमुटेटिव ये तो पता चल गया है। और हम लोग मल्टीपल आंसर देखें, यदि हम उनको एसोसिएटिव के लिए चेक करें, हालांकि यदि कॉमुटेटिव आ गया है तो आंसर वही होगा, यदि फोर एसोसिएटिव यदि आप चेक करना चाहें एसोसिएटिविटी, तो क्या होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, इसका मतलब क्या इन दोनों का डिफरेंस का मॉड, मतलब ए माइनस बी का मॉड और माइनस वन, फिर स्टार सी मतलब इन दोनों के डिफरेंस का, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा जी, जगह मॉड ऑफ ए माइनस बी माइनस वन माइनस सी, ए पूरे का मॉड माइनस वन। यदि आप दूसरा निकालें कि ए स्टार बी स्टार सी का वैल्यू, तो जगह ए स्टार ए कितना हो जाएगा, जगह मॉड ऑफ बी माइनस सी माइनस वन। अब इसके अनुसार से ले इन दोनों का डिफरेंस, तो ए माइनस मॉड ऑफ बी माइनस सी माइनस वन, इन दोनों के डिफरेंस, इसको यहाँ पे ले लेते हैं इसका मॉड माइनस वन, क्या दोनों सही है।
दोनों क्या इक्वल है? ये दोनों इक्वल नहीं है, तो बोल सकते हैं कम्यूटेटिव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा? बी, ओनली क्या चीज़ जी, कम्यूटेटिव। चलिए इसको नोट करें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? इफ़ स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड, 9 में क्या डिफाइंड किया गया है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो देन 1 स्टार 2 स्टार 5। ऑप्शन कितना दिया गया है जी? 3125, बी में है 625, सी में है 125 और डी में कितना है 50। तो देखें ए स्टार बी है तो यहाँ से देख सकते हैं कितना है 1 स्टार 2, तो जगह 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, फिर कितना जी स्टार 5, तो जगह 1 प्लस 4 स्टार 5, मतलब जगह 5 स्टार 5। अब इन दोनों के स्क्वायर्स का सम, तो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 25, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो 9 का डी। अगला क्वेश्चन बोलता है द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म, सेट ऑफ ऑल जितने भी एलिमेंट्स है वो कौन से फॉर्म में है जी? एम प्लस एन इंटू रूट अंडर टू, एम प्लस एन इंटू रूट अंडर टू। और बोलता है वेयर एम एंड एन आर इंटीजर्स, वहाँ पे एम और एन क्या है? इंटीजर। इज क्लोज्ड अंदर, अंडर एक क्लोज्ड है। अब सवाल उठता है क्लोज्ड, जब यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन जब पढ़ रहे थे किसका जी, बाइनरी ऑपरेशन का, तो बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन में एक क्या था जब डिफाइंड किए हुए थे, तो उसमें यदि जो है उसका थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं क्या था। यदि मान के चले स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाए जी, ए स्टार बी, तब क्या था? वो बोले थे कि स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है। तो पहला सेट ए इज सेट टू बी क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार इफ, यदि बोला जाएगा इफ ए, क्या बोला, ए सेट ए इज सेट टू बी क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टार इफ ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए, इम्प्लाइज ए स्टार बी अल्सो बिलोंग्स टू ए। यदि हम लोग डिफाइंड कैसे किए थे जी बाइनरी ऑपरेशन का, कि ये कोई बाइनरी ऑपरेशन स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है और कोई नॉन एम्प्टी सेट ए में, और कोई एक फंक्शन जो है एसोसिएट है किससे जी, ए फंक्शन एसोसिएट है इस तरह से ए बी बिलोंग्स टू किस में जी, ए क्रॉस ए, और जब और इज अ यूनिक एलिमेंट ऑफ किसका, ए स्टार बी कहाँ हो जी, ए में, मतलब ए मतलब क्या था, स्टार डिफाइंड किया गया था कि ए क्रॉस ए से कहाँ हो, ए में हो, तब उसको बोले थे बाइनरी ऑपरेशन। और उस बाइनरी ऑपरेशन को क्लोज्ड कब बोला जाएगा, जब ए और बी एक कोई सेट है, ए इज सेट टू बी क्लोज, कोई सेट ए को क्लोज्ड बोला जाएगा कब, विथ रिस्पेक्ट टू स्टार, विथ रिस्पेक्ट टू स्टार मतलब बाइनरी ऑपरेशन कब, यदि कोई एलिमेंट ए लिए वो ए में बिलोंग करे, कोई दूसरा एलिमेंट बी लिए वो भी बी में ए में बिलोंग करे, और इन दोनों एलिमेंट को ऑपरेट करें, जो ऑपरेशन दिया गया है उसका जो रिजल्ट आवे वो भी सेट ए में बिलोंग करे, तब वो क्या कहलाएगा जी, क्लोजर, मतलब क्लोज्ड, मतलब ए कोई एलिमेंट है ए का, बी कोई एलिमेंट वो भी है सेट ए का, और इन ए और बी को ऑपरेट करे तो जो नया रिजल्ट मिले वो भी सेट ए का मिले, तो क्या कहलाया जाएगा जी, क्लोज्ड कहलाएगा। अब डिपेंड करता है कि ये यहाँ पे ऑपरेशन प्लस में है माइनस में है, कि ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन क्या है वो डिपेंड करता है। अब देखिए हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोलता है, ये बोल दिया है कि m प्लस एन रूट टू, ये हम लोग को दिया m प्लस एन इंटू रूट टू, वेयर m एंड n आर इंटीजर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्या a क्लोज्ड है अंडर एडिशन के रूप में, ओनली एडिशन, क्या सिर्फ a ओनली एडिशन के लिए क्लोज्ड है, क्या इन दो क्लोज मतलब इन दोनों को m और n कोई इंटीजर है, यदि इसको ऑपरेट करे तो इंटीजर आएगा, और बोलता है सिर्फ और सिर्फ एडिशन के लिए, क्या पॉसिबल है, और दूसरे के लिए भी तो हो सकता है, यदि इन दोनों को यहाँ पर माइनस कर दे तो माइनस के लिए भी तो हो सकता है, मल्टीप्लाई कर दे मल्टीप्लाई के लिए भी तो हो सकता है,
तो दूसरा बोलता है फिर ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, पहला ऑप्शन है बोलता है ओनली एडिशन, दूसरा बोलता है ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तीसरा बोलता है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन। बताइए ये जो है एडिशन मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन के लिए क्या क्लोज होगा? एडिशन के लिए दो ये भी एलिमेंट है ये भी एलिमेंट है, दोनों को ऐड कर देंगे तो रिजल्ट भी इंटीजर में आएगा, मतलब जो एम और एन क्या है इंटीजर इंटीजर में आएगा। तो ये दो इंटीजर है ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी इंटीजर आएगा, और दो ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इंटीजर आएगा, मतलब ये क्लोज्ड है। किसके लिए जी? एडिशन के केस में भी, मल्टीप्लीकेशन के केस में भी, और सब्ट्रैक्शन के केस में भी। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन। चलिए इसको नोट कर ले, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, बोलता है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज एन ऑपरेशन दैट, सब्ट्रैक्शन एक ऐसा ऑपरेशन है जो बोलता है कमुटेटिव एंड एसोसिएटिव भी है। पहला में बोला है कमुटेटिव एंड एसोसिएटिव, बी में बोल दिया है नॉट कमुटेटिव बट एसोसिएटिव, सी में बोल दिया है कि नाइदर कमुटेटिव नॉर एसोसिएटिव, डी में बोल दिया है कमुटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। हम लोग को ये चेक करना है कि सब्ट्रैक्शन क्या है। जैसे मान के चलिए ए स्टार बी को हम ऑपरेट करें तो क्या मिले? ए माइनस बी। तो ये चेक करना है कि ये कमुटेटिव है कि नहीं है। तो कमुटेटिव मतलब ए स्टार बी का वैल्यू बी स्टार ए के बराबर, तो जाएगा ए माइनस बी, यहाँ हो जाएगा बी माइनस ए, तो माइनस लेंगे ए माइनस बी, क्या दोनों सेम है? नहीं है, मतलब इस केस में कमुटेटिव नहीं है। पहला क्या हुआ? कमुटेटिव नहीं। एसोसिएटिव की बात करें, एसोसिएटिव मतलब ए स्टार बी स्टार सी का वैल्यू क्या होना चाहिए? ए स्टार बी स्टार सी, यदि इसके अनुसार से ले लें तो ए माइनस बी स्टार सी, मतलब इन दोनों का डिफरेंस, तो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी। इसके अनुसार से ले लें ए स्टार और इसका क्या होगा जी? बी माइनस सी। इसका मतलब क्या होगा? दोनों का डिफरेंस, तो ए माइनस बी माइनस सी मतलब ए माइनस बी प्लस सी, क्या दोनों इक्वल हैं? ये भी दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ए एसोसिएटिव भी नहीं है, मतलब स्टार इज नॉट कमुटेटिव नाइदर कमुटेटिव नॉर एसोसिएटिव, ऑप्शन नंबर सी। 11 का ऑप्शन नंबर कितना हो गया? सी। अब देखिए 12 नंबर बोलता है द ऑपरेशन, ऑपरेशन हम लोग को इस तरह का ऑपरेशन, इसका क्या पढ़ना है क्या है वो हम लोग को मतलब नहीं है, सिर्फ एक क्या है एक ऑपरेशन, जैसे स्टार था स्टार के यहाँ पर इस तरह दिया गया है और बोल दिया इस तरह से दिया गया है कि एक्स ऑपरेशन वाई कितना दिया गया जी? एक्स वाई प्लस वन, और ये चेक करना है कि ये कमुटेटिव है, ये बोल दिया इज एसोसिएटिव एंड कमुटेटिव, एसोसिएटिव एंड नॉट कमुटेटिव, सी बोल दिया नॉट एसोसिएटिव एंड कमुटेटिव, डी बोल दिया है नॉट एसोसिएटिव एंड नॉट कमुटेटिव, ये चार ऑप्शन। देखिए ये सेम क्वेश्चन हम लोगों ने देखा हुआ था क्वेश्चन नंबर किसके लिए जी? क्वेश्चन नंबर 6 के लिए सेम क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन बिल्कुल सेम, अंतर दोनों में कुछ चेंजिंग है क्या? दोनों में कोई चेंजिंग नहीं क्या? स्टार बोलता है, सिक्स में बोलता है स्टार ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर, यहाँ भी बोला है क्या रियल नंबर का सेट है। सेम क्वेश्चन वहाँ पर डिफाइंड था कि ए स्टार बी इज इक्वल टू था ए बी प्लस वन, यहाँ पर दिया एक्स ऑपरेशन वाई एक्स वाई प्लस वन, दोनों सेम, दोनों क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 के ऐसा था। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो आंसर था कमुटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, कमुटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, ये कमुटेटिव है, कमुटेटिव है नॉट एसोसिएटिव है, ये होना चाहिए। तो 12 का देखिए ऑप्शन नंबर सी दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर अभी कहाँ तक हो गया जी? 12। तो इसको आप जो चाहें तो एक्स ए बी के लिए है, तो आप इसके लिए चेक भी कर सकते हैं एसोसिएटिव कमुटेटिव, जैसा कि हम लोग जो चेक करने का तरीका हम लोग पढ़े थे कि कैसे कैसे चेक करना है, तो उस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं कि कौन एसोसिएटिव है कौन कमुटेटिव है। चलिए इसको नोट कर लें,
तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस किया। अब जो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।